नोक झोंक के साथ खनियांधाना ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ संपन्न। मतदान में महिलाओं ने सबसे ज़्यादा किया मतदान, पुरुष रहे पीछे। खनियांधाना तहसील में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आज मतदान नोक झोंक के साथ संपन्न हुआ। खनियांधाना के कुछ ग्राम पंचायतों में शांतिपूर्ण मतदान हुआ तो कुछ पंचायतों में नोक झोंक के साथ चुनाव संपन्न हुआ। खनियांधाना तहसील में मतदान में सबसे ज़्यादा महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने मत का प्रयोग किया, जबकि पुरुष महिलाओं से पीछे रहे, जिनमें अभी तक यह बताना मुश्किल हो रहा है कि किस पंचायत में किसके सर सहरा सजेगा। खनियांधाना में इस बार ग्रामीणों ने किसी के पत्ते नहीं खोले, जबकि सभी प्रत्याशियों को आश्वासन दिया है। मतदान होने के बाद सभी प्रत्याशी बड़े असमंजस में हैं कि इस बार क्या होगा बताया जा रहा है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की मतगणना मतदान केंद्र पर की जाएगी और हार जीत का फैसला बाद में बताया जाएगा। पर खनियांधाना के कई ग्राम पंचायतों में तत्काल मतगणना की जा रही है, पर कई पंचायतें ऐसी हैं जिनकी मतगणना आज नहीं की जा रही है। कई पोलिंग बूथ ऐसे हैं जिन पर 3 बजे के बाद भी लंबी कतार अभी भी लगी हुई है। वहीं मोहाली कला की पोलिंग क्रमांक 298 पर अभी 6:30 बजे के बाद भी करीब 100 से ज़्यादा मतदाता पोलिंग के बाहर खड़े हुए हैं। मतदाताओं का कहना है कि हम दोपहर 12 बजे के आए हुए और 3 बजे के बाद ना तो हमारे लिए मतदान करने के लिए टोकन दिया गया और पीठासीन अधिकारी केवल आश्वासन दे रहे हैं कि अभी टोकन बांट दिए जाएंगे। अब देखना यह है कि इन मतदाताओं को टोकन पर्ची दी जाती है या फिर मतदाता मतदान से वंचित रह जाते हैं। फिलहाल निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह के सख्त आदेश का पालन करते हुए सभी अधिकारी कर्मचारियों ने खनियांधाना के जनपद में क्षेत्र में हल्की नोकझोंक के साथ शांतिपूर्ण मतदान कराया है। शिक्षित बोला जाए जो शिक्षित है, मास्टर है, इसकी ड्यूटी लगी है। तो इधर जनता में सब अपनी बोलेंगे आ जाए मनोज कुशवाहा। यहाँ कैसे खड़े हो? मतदान करने के लिए। मतदान करने के लिए आया हो तो अभी आपने कर लिया? मतदान हो गया? क्यों, क्या कारण है? 10 बजे के बैठे सर पर कैसे अधिकारी है, पता नहीं चल रहा है क्या कर रहा है। 10 मिनट में एक आदमी को निकाल रहा है बाहर। तो अभी कितना समय और है यहाँ पर? अभी कहा पता सर, हमें नहीं पता। हम तो खड़े 300 लोग खड़े, देख लो आप बाल में 300 लोग यहाँ खड़े हैं। हाँ सर। तो अभी क्या कह रहे हैं ये लोग? एक आदमी घुसा रहा है, 1 घंटा पर निकाल रहा है, 10 मिनट लग रहा है। एक आदमी को बताओ कैसे मतदान हो जाए? 10 बजे से आए हैं आप? हाँ सर, 10 बजे का हूँ। अभी कितना समय हुआ है? 5-5:30 होगा, इतना टाइम होगा सर। तो अभी और कितना समय लग सकता है? सर 8 बज जाएंगे लगभग इनके हिसाब से, जब अधिकारी बैठे इनके हिसाब से। तो समय तो 3 बजे तक का था सर, क्या करें? तो बुरे लोग डालना है, वोटिंग करना है सबको। तो आपके लिए टोकन मिला है 3 बजे के बाद? नहीं मिला। तो इन लोगों ने टोकन बांटे या नहीं बांटे? हाँ सर बांटे, थोड़े बांटे थे, भग गए। तो जब आपको नहीं मिला तो आप कैसे मतदान करेंगे सर? अब करवाएंगे, कोई क्या करेंगे? बांटेंगे, बोल तो रहे सर, कब बांटेंगे? दोबारा फिर बांटेंगे बोल रहे सर, बांटे चाहे नहीं बांटेंगे।